मैं कैसे बता पाऊं कि पूरे भारत में ये बिजनेस सेफ शॉप आज चल रहा है पूरे पैन इंडिया, और कोई भी एक आदमी एक गांव में, एक शहर में, किसी कस्बे में, एक टाउन में इस बिजनेस की शुरुआत करता है, और छोटे विजन के साथ, छोटी टीम के साथ, और कैसे पूरे भारत में अपने बिजनेस को बना सकता है, कैसे बिजनेस को लेके जा सकता है, कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस को बढ़ा सकती हैं उसके को, कैसे वो अपना जीवन बदल सकता है। और ये तो है कि बिजनेस चलता है, बिजनेस बनता है, और आप देख पा रहे हैं कि आज स्वयं हमारे ग्रेट मेंटर्स ने इस बिजनेस को पूरे भारत में बनाया, सेफ शॉप ने पूरे पैन इंडिया अपने बिजनेस को फैलाया, और आज सेफ शॉप ने न बल्कि फैलाया बल्कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक आइकॉनिक कंपनी बन के दिखाया, एक रोल मॉडल बन के दिखाया, और बाकी सभी लीडर्स के लिए एक रास्ता बना के दिखाया, प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जहाँ से वो लोग अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन में वो अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में एक आम आदमी सोचता है, सपने देखता है। और हर आदमी हम में से यही चाहता है कि उसका बिजनेस एक शहर से दूसरे शहर में फैले, एक शहर से दूसरे शहर में जाए, उसकी टीम में बड़े लीडर्स तैयार हों, और इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन में वह सारी चीज़ें हासिल कर पाए जिनको वह सपना देखता है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत जब की तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इस बिजनेस को पूरे भारत में फैला पाऊंगा, और मुझे भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। तो मेरा बिजनेस पिछले 20 साल में इस सेफ शॉप का नाम जोड़ने की वजह से मेरे जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन हुआ है। 360 डिग्री मैंने इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में बदलाव हुए हैं। मैं अगर बखान करना शुरू करूं, डिटेलिंग करना शुरू करूं, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता किस तरह से मेरा जीवन बदला। फाइनेंशियली आदमी अपने आप को मजबूत देखना चाहता है, सबसे पहला गोल उसके जीवन में ये होता है। तो मैं इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 20 साल में फाइनेंशियली मजबूत हुआ। हर आदमी इस बिजनेस के माध्यम से अपने ड्रीम पूरे करना चाहता है, बहुत सारे ड्रीम। इस बिजनेस ने हमें सपने देखना सिखाया और उसके पूरे भी करवाया। ऐसा मौका मुझे मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि आप सपने बहुत सारे ऐसे सक्षम भी नहीं होते कि सपने पूरे कर पाएं, की बात तो अलग रहती है, सपने देखना भी नहीं जानते हम लोग, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 20 साल में लगातार चुन चुन के मेरे सारे सपने पूरे हुए। फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हुआ, पहचान की बात करता आदमी, वह सब कुछ इस प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया। मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ उसके लिए मैं सारी सफलता के लिए हमारी ग्रेट महान कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सेफ शॉप को, जिसकी वजह से मेरे जैसे नॉर्मल और साधारण से व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। और जो भी हमारे साथ में हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी लगातार हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा दी इस बिजनेस के माध्यम से एथिक्स को प्रमोट करते हुए और अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, न बल्कि उन्होंने प्रमोट किया बल्कि उन्होंने सबसे पहले स्वयं इस सफलता को लेके दिखाया और लेकर के हमें एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इसके माध्यम से आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मेरे जीवन में बदलाव हुआ, तो मैं अपनी सफलता के लिए इस क्रेडिट को अपने अपलाइनों को देना चाहता हूँ, मेंटर्स को देना चाहता हूँ, और सेफ शॉप को देना चाहता हूँ, और हर उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मुझे सफल होने की प्रेरणा मिली, उनको देना चाहता हूँ जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे गाइड किया, किसी न किसी रूप में मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उन तमाम लोगों को। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर वो लोग आगे सफल नहीं होते, इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने अपना रोल नहीं देते, तो शायद ये इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी मजबूत नहीं बनती। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इस इंडस्ट्री में लोगों को भरोसा उतना नहीं था जितना आज है, बिलीव उतना नहीं था जितना आज है, और सेफ शॉप के अंदर भी बिलीव उतना नहीं था जितना आज है। सेफ शॉप की पहचान उतनी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन शुरुआत में 20 साल से मैंने 2003 में इस बिजनेस में कदम रखा, और तब से लेकर के पूरी सेफ शॉप, हमारे जितने भी साथी हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले जितने साथी काम कर रहे हैं, जो आज सुन रहे हैं किसी न किसी रूप में, उन सबको भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। आपने एक सही प्लेटफॉर्म को चुना, सही जगह को चुना, और एक सही गाइडेंस में रह करके आपने इस बिजनेस के अंदर सफल होकर के दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग सेफ शॉप के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते हैं और आप सब लोग उसकी सफलता के लिए प्रतीक हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जर्नी अब 21वें साल में प्रवेश हो गई है। मैं 2003 में इस बिजनेस में आया था और 21 साल मुझे इस बिजनेस में पूरे होने जा रहे हैं। इस बिजनेस में काम करते हुए 2003 से लेकर 2023 में मैंने जून मंथ में ज्वाइन किया था और तब से स्टार्ट करते हुए 20 साल मेरे क्रॉस हो गए। इस बिजनेस में मैंने 2 दशक दिए, और मैंने तो मात्र 2 दशक दिए लेकिन इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दे दिया, तो मैं बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं बाकी सभी की तरह नॉर्मल बैकग्राउंड से इस बिजनेस में आया और सिंपल पढ़ाई लिखाई की, और 2 पीढ़ियों से सरकारी नौकरी परिवार में हो रही थी। पिताजी और दादाजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं सरकारी नौकरी करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं और अपने जीवन में आगे बढ़ूं। ऐसी मुझे प्रेरणा मिली। पढ़ाई लिखाई करके इस देश का हर युवा जीवन में अपने आप को सेट करना चाहता है, तो मैं भी सेट करना चाहता था। पढ़ाई लिखाई जैसी तैसी हुई, और पढ़ाई लिखाई करके पहले मैं संघर्ष कर रहा था अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। तो स्कूल में प्राइवेट टीचिंग करता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग करता था, तैयारियां करता था सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए। तैयारी कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, और ऐसे करके मेरा चल रहा था। और उसके बाद में मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप बीएड भी कर लो, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड में जाना है तो ये टीचिंग डिप्लोमा ज़रूरी है। और मैंने टीचिंग डिप्लोमा के लिए बीएड करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान में ये बिजनेस, शेप्स ऑफ बिजनेस मेरे जीवन में आया, और मुझे लगा कि शायद यहाँ के माध्यम से मेरा जीवन बदलाव हो सकता है। बीएड करके मैं सरकारी स्कूल में टीचर हो गया, और सरकारी स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया। तो जो गवर्नमेंट जॉब का सपना था, जो चाहती जो हर आदमी चाहता है, वो मैंने भी पूरा कर लिया। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी दरमियान में मेरे जीवन में शेप्स ऑफ बिजनेस आया। 2003 को मैंने इस मीटिंग को अटेंड किया, 22 जून 2003 को। इस फंक्शन को, दिल्ली में एक फंक्शन था, यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। जो लोग थे, वो जो मुझे बिजनेस के बारे में अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, बताया, और मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया। और ये मेरे जीवन में यू टर्न लाने वाला प्रोग्राम बन गया, मीटिंग बन गई। और आपने महसूस किया होगा, कोई एक मीटिंग, कोई एक घटना आपके जीवन में यू टर्न लाने वाली साबित हो जाती है, और मेरे लिए भी यही हुआ। ये फंक्शन, ये मीटिंग मेरे जीवन में यू टर्न लाने वाली बन गई। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, और मैंने भी डिसीजन लिया कि इस बिजनेस के माध्यम से मुझे भी डायमंड बनना है, जीवन बदलना है, खुशियाँ लेनी है, फाइनेंशियली फ्री होना है, मजबूत बनना है। मैं तो मेरे को लगने लगा कि यहाँ से मेरा जीवन बदल सकता है, और ये मेरे जीवन में एक बदलाव की शुरुआत थी। आपने अक्सर ये कहानी सुनी होगी कि एक मेंढक को एक बर्तन के पानी में डाल दिया गया, उस बर्तन को गैस पर गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया, और उस बर्तन में जो पानी था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा, गुनगुना होने लगा, तो उस मेंढक को आनंद आने लगा। पहले वो ठंडा था, ठंड में मर रहा था, और सर्दी के टाइम में गुनगुने पानी में उसको आनंद आने लगा। तो ये घटना और कहानी आपने सुनी, तो वो जो जिस परेशानी, जिस दिक्कतों में हम लोग रहते हैं, और वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो हमें बहुत आनंद देता है, वो चीजें आनंद देती हैं। तो मेंढक को भी आनंद आने लगा, और आनंद आते आते टेम्परेचर बढ़ता गया, पानी गर्म होता गया, और उस पानी में एडजस्ट होते होते वो अपनी इम्यूनिटी को खोने लगा। जब पानी में एडजस्ट कर रहा है, तो एडजस्टिंग जो पावर है वो इम्यूनिटी को खो रही है, उसको कमजोर कर रही है, और इम्यूनिटी डाउन होती चली गई। वो एडजस्ट करता चला गया, लेकिन कब तक एडजस्ट करेगा? पानी बॉइलिंग टेम्परेचर भी आया, और वो अपने जीवन को खोने की, उसको लगा कि मेरे का जीवन जा सकता है अभी। तो उसने जम करने का डिसाइड किया, लेकिन जम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जम कब करना है यह भी तो इम्पोर्टेंट है। और उसने जम करने का डिसीजन तो लिया, लेकिन अब वो इम्यूनिटी खो चुका था, और जम्प नहीं कर पाया, और जीवन खो दिया। हम में से भी जहाँ पर जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ रहती हैं हमारे साथ में, और कहीं पर जब हमें कुछ मिल जाता है, जहाँ पर हम अटक जाते हैं, कोई सीढ़ी मिल जाती है, कहीं से हमारी जो दिक्कतें हैं, जो गरीबी है, जो परेशानी है, जो कर्जा है, वो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो जीवन संवर गया। और फिर वो जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, दस्तक देता भी है, तो हम उसे न पहचानना चाहते हैं, न पहचानते हैं, और वह फिर हमारे लिए, और फिर वो हमारे को बाद में फिर अफसोस करना पड़ता है। और ऐसा हजारों लाखों लोगों के साथ जीवन में लगातार होता रहता है। जीवन में कहीं जंप लगाना जरूरी है, लेकिन टाइमिंग भी जरूरी है। अब मेरे सामने था कि मैं
जीवन भर नौकरी करूं, मेरे सामने ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था ये बिजनेस मेरे को दस्तक दे रहा है और मैं यह भी कर लूं। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे सामने थे और मुझे लगा कि ऊपर वाला दे रहा है तो जीवन में, यहाँ पर मैंने देखा आम आदमियों को अपना जीवन बदलते हुए, यहाँ पर मैंने समझ तो लिया कि यहाँ भी काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत यहाँ भी करनी है और जीवन भर यहाँ भी काम करना है और यहाँ भी करना है। और ये नौकरी और ये बिजनेस अलाउ करता है कि आप काम करते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये बिजनेस अलाउ करता है कि जो आप हाउस वाइफ हैं, जो आप जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, किसी भी जगह पर कहीं भी हैं, उसको करते हुए स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी थी, मैंने डिसीजन लिया और मैंने जंप लगाई। 2003 से मेरी जर्नी शुरू हुई, 2003 में मैंने कदम रखा और मुझे बिजनेस मिला। और 2003 में मैंने मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सपना होता है कि वो डायमंड बने। मैं अक्सर मीटिंग्स में जाता हूँ तो हजारों लाखों लोगों को मैंने देखा, सुना, पूछा। एक एक मीटिंग में 100, 200, 500, 1000 लोग तक रहते हैं और सबसे पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, तो किसी ने कुछ और नहीं बताया, सब एक ही हाथ खड़ा करते हैं, मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। तो डायमंड बनने का मकसद क्या है? एक्चुअल में कोई भी आदमी डायमंड नहीं होना चाहता। डायमंड बनने में जो छिपा है, डायमंड बनने के पीछे जो है, तो उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, डायमंड बनने पर जो सम्मान का हकदार होगा, वो जो पहचान का हकदार होगा, वह जो टीम उसके साथ होगी, वह जो उसके सपने पूरे होंगे, वह जो देश विदेश की यात्राएं कर पाएगा, वह जो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, वह जो उसके अंदर छिपा हुआ है, वह जो सम्मान, वह जो रुतबा, वह जो वो पहचान, वह जो टीम, वह सब कुछ, उन सब का वो हकदार बनना चाहता है और उसको पाना चाहता है। वही मैं भी चाहता था कि डायमंड होने में, डायमंड बनने में जो है उसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। और तो डायमंड बनने का लक्ष्य हो जाता है हम में से प्रत्येक व्यक्ति का, तो मेरा भी डायमंड बनना लक्ष्य हो गया। और काम करते हुए मैंने शुरुआत की 2003 में, आदमी एक एक स्टेप हासिल करता है, सिल्वर बनना शुरू करता है, गोल्ड बनना शुरू करता है, पर्ल बनना शुरू करता है, टोपाज बनना शुरू करता है और जो भी रिकग्निशन है उन रिकग्निशन को एक एक करके हासिल करना चाहता है। इस बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 2006 तक मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने प्रायोरिटी सेट की, नौकरी में से टाइम को मैनेज करता था, जो टाइम मुझे मिलता था उसी टाइम में से मैं डेली इस बिजनेस को करता था मैनेज करके, क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं सेट हो चुकी थी और इस बिजनेस को करने के लिए मैं टाइम मैनेज करता था। थका होने के बावजूद भी, जॉब में लगातार रहने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे हर रोज करना था, लगातार करना था, इसी में से वक्त निकाल के ही करना है। और हमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास में 8 घंटे का समय सोने के लिए चाहिए, 8 घंटे का समय उसे नौकरी करने के लिए चाहिए, काम धंधा करने के लिए चाहिए, फिर भी उसके पास 8 घंटे का समय, उसमें 4 घंटे पर्सनल निजी चाहिए, तैयार होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, निजी 4 घंटे चाहिए, फिर भी एक भी व्यक्ति के पास में 4 घंटे का वक्त है। उस 4 घंटे का इस्तेमाल करके वह अपने जीवन की ऊंचाइयां निर्धारित कर सकता है, तय कर सकता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है और अगले 10 साल और 20 साल उसके जीवन में कैसे होंगे। तो यह मुझे समझ में आ गया यहाँ आकर के कि वह 4 घंटे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे मैं थका रहूँ, चाहे मैं सोया रहूँ, चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ, दोनों ऑप्शन मेरे सामने हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि इन 4 घंटों का मैं इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से बदलाव करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। इस बिजनेस में 2006 तक मैंने काम कर बहुत अच्छा किया और 2006 में काम करते हुए, इस बिजनेस में प्रत्येक व्यक्ति को एक चैलेंज से कोई गुजरना होता है, तो हर आदमी अपनी कहानी लिख रहा है, तो मेरी भी कहानी लिख रही थी। और कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं होगा, जब तक आपको उठा पटक नहीं है, चैलेंजेस नहीं, तो मेरे बिजनेस में भी 2003, 4, 5, 6 मैंने टोपाज लेवल को हासिल कर लिया और एमराल्ड नज़दीक था। तभी मेरे साथ में इस बिजनेस में जो आदमी को बड़ा लीडर बनाती है, जो बिजनेस में आदमी को बड़े बड़े टिक ऑफ कराती है चीज़ें, तो जब तक हवाएं विरोध नहीं करेंगी आसमान में, और जब तक हवाई जहाज ना टिक ऑफ करेगा और ना ही ऊंचाइयों को तय कर पाएगा, जब तक पानी विरोध नहीं करेगा, तब तक कोई भी स्टीमर, कोई भी जहाज, कोई भी पानी की बोट, नौका तैर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों से मैं कैसे अलग हो सकता था? तो मुझे भी मालूम था और ये समझ में आया और हुआ भी। जब तक आपके साथ चैलेंजेस नहीं है, विरोध नहीं है, तो तक आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। ये एक प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति वर्ण भी उन्हीं को करती है।
ये 2006 काम करके मुझे समझ में आया, छोटे मोटे चैलेंजेस आए, तो वो चैलेंजेस लीडरशिप को डेवलप करने को लेकर के टीम, सबका प्रश्न रहता है कि सर मैं टीम तो बना लेता हूँ लेकिन टीम साथ नहीं देती, काम करने वाले लोग साथ नहीं रहते, टीम में एक्टिव लोगों की संख्या कम रहती है, मैंने 50 की टीम बनाई, 100 की टीम बनाई, 200 की टीम बनाई या 1000 की टीम बनाई, उतने लोग मेरे साथ काम करने वाले लोग नहीं है, मैं तो मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे साथ मेहनती लोग नहीं है, ये अक्सर हमें सब लोगों के प्रश्न होते हैं। तो वही साथ मेरे साथ भी था, और मैंने 2006 तक काम करके ये जाना समझा कि अभी टेक ऑफ करने की बारी है, लेकिन टेक ऑफ करने के लिए अभी ये देखना होगा कि पीछे जब मुड़ के हम देखते हैं तो जो हम साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको अपनी टीम मान लेते हैं, अक्सर जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो हमारी टीम अक्सर हमारे लिए हमारी नज़रों में हो जाती है, और मैंने जाना कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं काम करते हुए, जो आपने 50 के रजिस्ट्रेशन किए तो 50 सेल्स हैं ओनली, वो टीम नहीं, जो आपने 500 बनाए, 500 सेल्स किए, आपकी 500 की टीम नहीं, आप उन लोगों को, आप मैंने टोपाज बना, टोपाज बनने के साथ देखा किसी न किसी कारण से वो इस बिजनेस से निकलते चले गए, कारण एक ही नहीं था, बहुत सारे कारण थे, या तो मैं उनको तैयार नहीं कर पाया, या मैं स्वयं मेरा मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं था, या मैं उनको सिस्टम से नहीं जोड़ पाया, या मैं उनको विजन नहीं दे पाया, या कुछ लोग अपनी गलती की वजह से चले गए, कुछ लोग शायद मैं उनके साथ व्यवहार नहीं बना पाया, कुछ मेरी गलती की वजह से चले गए, या कुछ दूसरी कंपनी में लालच की वजह से चले गए। तो ये एक एवरेज है, एक रेशियो है, सारा एक ही कारण सबके लिए नहीं लागू हो सकता, वो कई सारे कारण रहते हैं, उसमें मैं कितना अवेयर हूँ, कितना जागरूक हूँ, ये बहुत मायने रखता है। और 2006 के बाद में फिर मैंने जाना तो मेरे कुछ साथी थे जिनके साथ काम करते हुए मैंने बिजनेस बनाया, वो साथियों के साथ में फिर से हमने रिव्यू करना शुरू किया, नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ मैंने बिजनेस पहले दिन से करना शुरू किया, सर को मैंने बिजनेस में गोल्ड लेवल पे देखा था जब मैं बिजनेस में एंट्री किया, तो नरसिंह ग्रेवाल जी को मैंने देखा कि वो गोल्ड लेवल पर हैं, तभी मैंने बिजनेस में आया, और तब से मैं बिजनेस को सर के साथ कर रहा हूँ शुरुआत से, और सर की कृपा है कि सर ने इतना सहयोग दिया, साथ दिया कि मुझे अपने बराबर में बिठाया, अपने साथ ले करके गए, अपने छोटे भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया, और इस बिजनेस में हर वो मुकाम दिलाने के लिए मुझे इंस्पायर किया जहाँ पर जाया जा सकता है। और 2006 के बाद में बिजनेस थोड़ा टफ होना शुरू हुआ मेरे साथ में, 2007 में, 2008 में और 2009, ये 3 साल मैंने बिजनेस में खूब शिद्दत से काम किया, खूब मेहनत से काम किया, जो टूटी हुई टीम थी, जो बिखरी हुई टीम थी, या जो लोगों को मैंने पहचाना कि हम इस बिजनेस में आते हैं डायमंड तो बनना चाहते हैं, तो डायमंड होना लक्ष्य बना लेते हैं अपना, लेकिन फिर मैंने इन 3 सालों में जाना कि डायमंड होना लक्ष्य नहीं, डायमंड होते होते लक्ष्य को पा लेना ही लक्ष्य हो सकता है, डायमंड होना लक्ष्य नहीं है, डायमंड होते होते अपने लक्ष्य को पा लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैंने जाना। और इस बिजनेस में फिर मैं एमराल्ड बना 2007 में, 2008 में रूबी, और 2009 में हर आदमी हो जीवन में बनना चाहता है डायमंड, तो मैं भी डायमंड बना, और उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक, और लगातार 2013, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में भी मैं प्रवेश कर गया, और 24 भी आ जाएगा, जैसे 23 आया 24, 25, 26, 27, 28 लगातार इस बिजनेस में लेवल हासिल किया डायमंड। तो डायमंड के बाद में जो आप हासिल करना चाहते हो, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, तो ये इस सारे पायदान हैं, और जिस तरह से डायमंड बनते हो आप लगातार बनते चले जाते हो, तो सारे पायदान इस सिस्टम की कृपा से, इस कंपनी की प्रेरणा से और हमारे अप्लायनों के सहयोग से, सपोर्ट से, और उनके द्वारा बनाए हुए प्लेटफॉर्म की वजह से मैं वहां पर पहुंच पाया, मैं हासिल कर पाया, तो मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मैं सभी का, जिन सभी का मेरी सफलता में सहयोग है, मैं उन सबको नमन करता हूँ, इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक पहुँच पाया, और मेरे बिजनेस में इतने बड़े मकाम पर पहुँचाने के लिए कुछ मीटिंग्स मेरे जीवन में आईं, जिन मीटिंग्स ने मेरे जीवन में यूटर्न लेकर के आईं, मेरे बिजनेस को इन्होंने यूटर्न दे दिया, तो कुछ मीटिंग्स थी, मैं जब गोल्ड लेवल पे था 2004 में, तो सेफसॉफ्ट के माध्यम से गोल्ड लेवल के लोगों को एक बूट कैंप में जाने का अवसर था, और मुझे मौका मिला इस मीटिंग में जाने का, मैं गोल्ड लेवल पे था, और पूरे भारत से सेलेक्टेड लोग आए थे उस मीटिंग में जयपुर में, 2 दिन की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं गया तो इस तरह का माहौल, इस तरह का मैंने कुछ भी जीवन में देखा नहीं था, उस ट्रेनिंग से मुझे विजन मिला,
और मुझे लगा कि जीवन तो बहुत बड़ा हो सकता है, जीवन में बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है। इस तरह के मीटिंग ने मुझे एहसास कराया, फीलिंग दी, और इस मीटिंग को मैंने अटेंड किया और लगा कि अब बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ करना है, बोल्ड डिसीजन लेने हैं। इससे पहले तो हम कर रहे थे, ठीक है, चल रहा है, लेकिन इस मीटिंग ने मेरे को ना अंदर से हिला दिया। और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैंने मतलब डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है। मैं हर चैलेंज को, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और फेस करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ आई। और एक मीटिंग उसके बाद दिशा 2004 में ही दिशा ट्रेनिंग हुई श्रीमान संजय जैन सर के माध्यम से, जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जो मोस्ट क्रिएटिव हैं। और संजय जैन सर के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आप देखेंगे सर ने 2001 में बिजनेस की शुरुआत की और 2004 में दिशा ट्रेनिंग लेने के लिए हम उनके साथ में गए। तो कोई व्यक्ति 2001 में आया तो 2001 से 2002 तक एक साल, 2002 से 2003 तक दो साल, और 2003 से लेकर 2004 तक तीन साल ही हुए। और हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे इस पैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग काम कर रहे होंगे। 3 साल में काम करने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो नया हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटे लेवल पर हूँ। तो 3 साल में ना बल्कि सर ने डायमंडशिप को ब्रेक किया, बल्कि उन्होंने 3 साल के अंदर इस सिस्टम को समझ करके आगे आने वाले समय के लिए टीम के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। और वो प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया कि ताकि वो लोग आने वाले समय में जो भी लोग हैं जो बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वह भी सफल हो पाए, वह भी उस बुलंदियों को हासिल कर पाए जहां पर सर पहुंचे। और आप देखेंगे 3 साल काम करके ना उन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया, सिस्टम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिखाया, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग्स को डिजाइन करने की बात हो, इन्वेंट करने की बात हो, चाहे उन्हें समझ में आया कि सिस्टम को कैसे रन करना है, सिस्टम की एक्टिविटीज को कैसे मतलब क्रिएट करना है। और आप देखेंगे यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने 3 और 3.5 साल के अंदर दिशा जैसी ट्रेनिंग को क्रिएट किया, बनाया, तैयार किया और इतनी समझ डेवलप की उन किताबों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जो उन्होंने पढ़ी, उन ट्रेनिंग के माध्यम से जो उन्होंने समझी, और इतना मेंटल लेवल इतना मेच्योर हुआ कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को तैयार कर दिया। तो मैं यही जानने के लिए मजबूर हो गया कि मात्र 3 से 4 साल के सफर में कोई आदमी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है, और इतना मोस्ट क्रिएटिव, इतना मोस्ट अवेयर, इतना मोस्ट जागरूक कि लोगों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, और न बल्कि बना रहा है, लोगों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तो हम जब भी कोई किसी मंजिल पर पहुंचते हैं और जब भी किसी रास्ते को तय करते हैं तो रास्ता न बल्कि हम तय करते हैं बल्कि आने वाले लोगों के लिए भी हम रास्ता बना देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्रीमान संजय जैन सर ने, राजीव चतुर्वेदी सर ने, और वह भूमिका निभाई, तो न बल्कि वहां पहुंचे, मंजिलों को तय किया, बल्कि उन्होंने रास्ता भी तय किया। श्रीमान ओम प्रकाश साहब, नरसिंह ग्रेवाल सर ने इस मकाम को हासिल किया। मैं नरसिंह ग्रेवाल सर को देखता था गोल्ड लेवल पर, पर्ल लेवल पर, टोपाज लेवल पर, इतना पूरी टीम की जिम्मेदारी, सिस्टम को रन करना, वेन्यू चलाना, मीटिंग्स करना, मीटिंग्स की जिम्मेदारी लेना, प्रमोशन करना, हर वह काम करना जिससे बिजनेस बनने वाला है और बिजनेस में वह आप उगते हुए सूर्य को देखने वाले हैं, वो हर वो काम में देखता था और बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। जॉब में थी सर और इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे थे, तो मुझे प्रेरणा मिली कि सर अगर जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो ये प्रेरणा उन्होंने दी करते हुए। और आर्मी जैसी जॉब में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं थी, कभी मैंने देखा नहीं कि उनके शब्दों में मुश्किल शब्द था। तो ये बातें हमें प्रेरित करती थी और हमारे को दिमाग में आती थी कि मैं कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे काम करूं। लेकिन ये लोग हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं वो हमेशा प्रेरणा दिया करते थे। एक मीटिंग मेरे जीवन में आई 2005 में, 2004 के बाद में, गोवा में थी, और ये गोवा में LDP कंपनी के माध्यम से ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग में पहुंचा और यहां पर भी 3 और 4 दिन की मीटिंग अटेंड करके कंपनी के विजन को समझा और हमारे टॉप लीडर्स के विजन को समझा, तो मुझे समझ में आया कि ये लोग तो जीवन में बहुत ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, शताब्दियों तक के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक बिजनेस करना चाहते हैं। तो हमें ऐसा भरोसा हुआ कि हम और हमारा भविष्य और हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, हम सही हाथों में, सही जगह पर हैं, बिंदास काम किया जा सकता है, बिंदास खेला जा सकता है। और मैंने यहां से कमिटमेंट किया, मुट्ठी बांधी और कुछ बड़ा करने के लिए डिसाइड किया। और उसके बाद तो फिर हर मीटिंग्स को प्रमोट करना मैंने जाना, अब तक मैं जान चुका था कि सिस्टम क्या है, बिजनेस कैसे बनेगा, और मैं ये जान चुका था कि डायमंड होना लक्ष्य नहीं है, डायमंड होते होते लक्ष्य को पा लेना ही लक्ष्य है। और डायमंड होते होते 10,000 सेल्स से होकर के आप गुजरते हो,
जब डायमंड आप बनते हो, 10,000 सेल्स होकर गुजरते हो, और 10,000 सेल जब गुजरती हैं तो उसमें से मैं अपने साथ में उस लक्ष्य को हासिल कर पाऊँ, अपने साथ 100, 200, 300, 400, 500 मेरे पर्सनल व्यवहार से, पर्सनल मेहनत से, मेरे कमिटमेंट से, मेरी ईमानदारी से, मेरे डेडिकेशन से, मेरी विजन से, और मेरी मेच्योरिटी से, मेरी समझदारी से, मेरी नॉलेज से, मेरी लीडरशिप से, मेरे पर्सनल व्यवहार से, मैं 10,000 के लोगों को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अगर 10% पे जाता हूँ तो 1,000 होता है, और अगर 5% पे जाता हूँ तो 500 होता है, और कम पे जाता हूँ तो और कम होता है। लेकिन मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सबका सुपड़ा साफ कर दूँ, 10,000 के सेल्स हुई और 10,000 के 10,000 सेल्स को मैं गायब कर दूँ, मेरे साथ में 1,000 की टीम बनी और 1,000 के 1,000 लोग गायब हो गए, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो प्रश्न मार्क फिर मेरे ऊपर बनता है, प्रश्न जो क्वेश्चन है वो मेरे ऊपर ही बनता है। तो ये डायमंड होते होते, डायमंड हो जाना लक्ष्य नहीं है, डायमंड होते होते वो जो लक्ष्य है कि मैं अपने साथ में 100, 200, 300, 400, 500 कितने ऐसे साथी हैं जिनको विजन दिला पाता हूँ, कितने ऐसे साथी हैं जिनको मैं तैयार कर पाता हूँ, कोर तैयार कर पाता हूँ, बिजनेस में बना पाता हूँ, अपने साथ लेके चल सकता हूँ, यही लक्ष्य है सबसे ज्यादा, जो डायमंड होने के बाद भी आपको फ्री करने वाला है, डायमंड होते होते भी आप फ्री होने वाले हैं। यही वो बात है, जब आप चाहते हो कि इस बिजनेस की हाईएस्ट इनकम पर पहुंचे, कैपिंग पर पहुंचे, तो डायमंड होने का अर्थ है कि आपने एक 10,000 सेल्स, एक ऐसा स्टैंडर्ड माना जाता है। इतनी बड़ी टीम होते होते आदमी गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर गलतियां करता है, फिर सीखता है, लेकिन गलतियां करते करते और सीखते सीखते इतना समझदार हो जाता है, वो अपने आप को इतना ऊपर उठा लेता है डायमंड होते होते, वो इतना मेच्योर हो चुका होता है कि अपने साथ हर एक किसी के साथ व्यवहार बना लेगा, हर किसी के साथ में उनको रोक लेगा, तैयार कर लेगा, जिम्मेदारी ले लेगा, और 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को अपने साथ रोक लेगा। अगर आपके राइट में, लेफ्ट में 200-200 लोग तैयार हो जाते हैं आपके साथ चलने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, तो और एक सेल का एवरेज भी देते हैं तो 2,00,000 रुपए की इनकम के आप हकदार हो जाते हैं, पब्लिक कैपिंग इनकम है, तो आप वहां पर पहुंचते हैं अगर इतना काम कर लेते हैं तो। यह सबसे जरूरी है और यही हमारा गोल और लक्ष्य है। तो ये मीटिंग्स मुझे प्रेरित करती रही, जब भी मैं रुका थका तो ये मुझे मेरा मनोबल बढ़ाती थी, मैं ट्रेनिंग्स में जाता था, वहाँ से मुझे विजन मिलता था। और मेरे जीवन में एक 2006 की मीटिंग आई, कंपनी के माध्यम से टारगेट जीता, और टारगेट में पहली बार कंपनी की ट्रिप थी, थाईलैंड ले जाने की बारी आई, जीतने की बारी आई। इस ट्रिप पर मैं गया ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ में, तो उन साथ में रहना, साथ में समझना, और देश के बाहर दुनिया को देखने और समझने की शुरुआत हुई मेरे जीवन में। यहाँ से मुझे बहुत बड़ा विजन मिला। एक 2006 में एक मीटिंग हुई कंपनी के द्वारा, एक बूट कैंप वर्कशॉप LDP, जहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करके मेरे जीवन में बदलाव आया, और जहाँ से मैं और समझदारी और मेच्योरिटी लगातार आती रही। तो 2006 के बाद में जहाँ पर बिजनेस को क्विट कर सकते थे, 2006 के बाद में बिजनेस में जो निराशा थी, वो इन मीटिंग्स ने, अपलायन के सहयोग ने मुझे, मतलब इस मीटिंग में जिंदा रखा, बनाए रखा, और मैं बिजनेस में टेक ऑफ करने के लिए फिर से मैंने एक डिसीजन लिया काम करने के लिए। बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव 2007 में इस मीटिंग के माध्यम से आया। कंपनी की एक ट्रिप थी जैसलमेर, उन अचीवर्स को लेके जाना जो कंपनी में टारगेट जीत रहे थे, उन लोगों को लेके जाना जो परफॉर्म कर रहे थे, उन लोगों को कंपनी लेके गई जिन्होंने बिजनेस में एक्सीलेंट और शानदार काम किया था। उस समय पर हमको, हमारी टीम बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं जीत रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हमारी लॉयल्टी की वजह से, मेहनत की वजह से, जो भी कुछ देखा हमारे ग्रेट मेंटर्स ने और कंपनी ने, हमें सहयोग किया, और कुछ लोगों के साथ, कुछ साथियों के साथ इस मीटिंग में जाने का अवसर मिला। यहाँ पर हमारे साथी जो साथ में गए, तो उन लोगों का मतलब एकदम खून में उबाल आया सबको देख करके, क्योंकि वहाँ देख रहे थे कोई है जो टारगेट जीत रहा है, कोई है जो विनर बन रहा है, कोई है जो इस बिजनेस में चेक ले रहा है, कोई है इसका बिजनेस चल रहा है। तो अगर किसी का नहीं चलता तो उनका भी नहीं चलना चाहिए, और जब किसी का चलता है तो हमारा भी चलना चाहिए, ऐसी भावना लेकर के और वहाँ से लौटे। और लौटने के बाद फिर सब लोगों ने पूरी मेहनत से, पूरी तैयारी के साथ काम करना शुरू किया, वो समझदारी विकसित हुई। हर मीटिंग हमारे अंदर मेच्योरिटी और समझदारी लेकर के आती है, बस कंडीशन एक ही है, हमें उसे फेस करना है। हम में से ज़्यादातर लोग जब अच्छा चल रहा होता है, जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, तब हम बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा टफ होता है, जब चैलेंजिंग टाइम होता है, जब किसी संघर्ष से होकर गुजर रहे होते हैं, तो हम फेस नहीं कर पाते, वो फेस नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी दिक्कत है, और हमें उसी समय फेस करना अपने आप को, क्योंकि उस समय पर आपका संघर्ष का जो टाइम है, आपको मजबूत बनाने का टाइम है, मेच्योरिटी का टाइम चल रहा होता है,
कोई स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है साल भर, लेकिन उसके बाद उसको भी एग्जाम और इम्तहान देना होता है। तो हम भी जहाँ पर हैं वहाँ भी हमारे लिए छोटे छोटे चैलेंजेस कभी आते हैं, तो वह हमारे को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, वह हमें समझदार और मेच्योर बनाने के लिए होते हैं। इन चीज़ों को मैंने काम करते करते जाना, तो ये एक के बाद एक लगातार मीटिंग्स, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से मेरे बिजनेस में बदलाव आया, टर्न हुआ, और फिर मैं मीटिंग्स में सिस्टम में जुड़ गया, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, और इस बिजनेस को फिर फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और बिजनेस धीरे धीरे फाइनली मैं 2009 में डायमंड बना, और 2009 में डायमंड बनने के बाद में इस बिजनेस में मैंने ऐसा नहीं कि 2009 में डायमंड बनने के बाद बिजनेस में जिम्मेदारी लेनी है ऐसा भाव आया। मैं शुरुआत से मैं समझ चुका था, क्योंकि मैं अपलायनों को देख रहा था, श्रीमान राजीव चतुर्वेदी साहब को देख रहा था, नरसी ग्रेवाल साहब को देख रहा था, जैन साहब को देख रहा था, सभी लीडर्स को देख रहा था, उन टॉप लीडर्स को देख रहा था पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, जो लोग टॉप पर हैं, तो उनके अंदर एक ही विशेषता थी, वह अपने लेवल पर अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं। यह मैं नोटिस कर रहा था, और ये मैंने भी नोटिस कर लिया कि अपने लेवल पर मैं जहां भी हूं, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सिल्वर हैं कि गोल्ड हैं कि डायमंड हैं कि वीनस हैं कि मरकरी हैं क्राउन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात को समझ में आ गया कि जब गोल्ड लेवल पर पूरी टीम की जिम्मेदारी ले रहे थे, मैं तभी से नोटिस कर रहा था, संजय जैन साहब अपने लेवल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे, तो अब मेरी भी बारी थी कि मुझे भी अब अपने लेवल पर अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी है। मेरे पास चाहे 10 लोग हैं, चाहे 100 हैं या 1000 हैं, मेरा लेवल सिल्वर है या गोल्ड है या टोपाज है या डायमंड है, इस बात को मैंने भली भांति कम समय में ही जान लिया था। और अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना, उनको मीटिंग्स में लेके आना, वेन्यू को प्रमोट करना, उनको मीटिंग तक पहुंचाना, लगातार उनसे मिलना, इन सब चीज़ों को मैंने फोकस करना शुरू किया। और जिम्मेदारी लेते 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 2009 में डायमंड बना, 2010 में अपनी टीम में डायमंडशिप के फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग करना, फिर 2011 से हर लेवल की मीटिंग करना, एक्टिविटी करना, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो, चाहे वो दिशा वर्कशॉप हो, चाहे डायमंडशिप हो, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, चाहे वह बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, चाहे अपनी टीम में वेन्यू डेवलप करना, चाहे अपनी टीम में कोर तैयार करना, चाहे अपनी टीम को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, सिस्टम से जोड़ना, कंपनी की एक्टिविटीज में लेके जाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी सेल्स जा रही हैं तो भी आप ही की काबिलियत है, और आपकी सेल्स नहीं जा रही तो भी आप ही की वजह से है, इनमें जिम्मेदारी लेना, ये मैंने जाना समझा, किताबें पढ़ी, ऑडियो ट्रेनिंग्स को सुना, वीडियो को देखा, और उन सफल लोगों को देखा, उनकी जीवनी को देखा पढ़ा, तो समझ में आना शुरू हो गया कि जिम्मेदारी अपने लेवल पे लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप बिजनेस में बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा अंपायर बनाना चाहते हैं तो हर लेवल पर काम करना शुरू हो गया। और फिर अपने बिजनेस को लेके उड़ाना जरूरी था, तो 2009 के बाद से हमने बिजनेस में बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर दिए, और पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने अपलायन को, सिस्टम को, जो उन्होंने प्रेरणा दी है उन पर खरा उतरना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और 2010 में 11 में टीम में डायमंडशिप होना शुरू हो गई, बाकी सारी एक्टिविटी होना शुरू हो गई। 2012 में LDP ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई, जो मैंने गोल्ड लेवल पर देखी थी, जो मैंने मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीट था, जो मैंने 2006 में फिर से अटेंड किया, 2005 में अटेंड किया, तो मुझे लगा कि वह प्लेटफॉर्म, वह चीज़ें हमारे टीम में लीडर्स को भी मिलनी चाहिए। और वह शुरुआत धीरे धीरे गोवा से हुई, भारत में अलग अलग शहरों से हुई, और फिर नेपाल में हमने डिसीजन लिया, वहाँ भी लोग पहुँचे, मलेशिया भी पहुँचे, फिर सिंगापुर भी पहुँचे, फिर हांगकांग भी पहुँचे, 7-star होटल तक पहुँचे, और लगातार एक के बाद एक। मैंने इस जर्नी में एक बात समझी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, परमात्मा ने हमको बनाया है तो संवेदनशील बनाया है, परमात्मा ने हमको सेंसेस देके भेजा है, हमारी आँख नाक कान त्वचा, इस सेंस से हमारी जो काम करती है, तो हम संवेदनशील हैं, किसी घटना के लिए हम संवेदनशील होते हैं, किसी चीज़ से हम इंस्पायर हो जाते हैं, किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो हमारी सेंसेस काम करते हैं, तो परमात्मा ने हमको संवेदनशील बनाया, तो वह जो चीज़ें हैं उनको हासिल करते हैं हम, तो उनके प्रति भी हम संवेदनशील हैं, और जब कोई चुनौती आती है तो चुनौती का सामना करने के लिए भी हम संवेदनशील हैं। तो अब हमारे को जब संवेदना है इस बात के लिए, तो हम इतने जागरूक रहें, इतने अवेयर रहें कि हमको काम करते हुए 1 साल होने वाला है, या फिर मैं अगले 5-10 साल का विजन लेके इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो वह जो चीज़ें जो हमें प्रेरित करती हैं उनको हम दिल में संजो के तो रखें, फिर वो जब चैलेंज आता है तो गायब क्यों हो जाती हैं, जिन्होंने हमें, जिन घटनाओं ने, जिन चीज़ों ने, जिस ड्रीम ने मुझे इंस्पायर किया, तो जब कोई चैलेंज आया तो गायब क्यों हो गई। इतने संवेदनशील तो रहें कि किसको देख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कौन सी वो बात थी जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस में काम करने का,
और कौन सी वो चीज़ थी जिसने मुझे प्रेरित किया, तो उसको फिर मैं दिल में संजो के रखूँ। फिर दूसरी बात आती, कोई चुनौती आती है और चैलेंज आता है, तो चुनौती और चैलेंज को भी हमने सामना करना है, क्योंकि मैं संवेदनशील हूँ अपनी सफलता के प्रति भी, जागरूक हूँ इस बात के लिए भी, जब भी कोई घटना बनती है, कोई आपको ताना मारता है, कोई आपको डायलॉग देता है, कोई आपको विरोध करता है, कोई आपको सलाह देता है, तो कम से कम हम संवेदनशील तो हैं। हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमको क्रॉस करते हुए आगे लगातार निकल रहा है, कोई हमको रोक रहा है, कोई हमें ताने मार रहा है, तो हमें कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई बात भी चुभ जाती है, किसी की बात, किसी का ताना चुभ जाता है, और उस चुभन को ऐसे नहीं मिटाता, झाड़ता नहीं, ऐसे नहीं मिटाता वो, उस ड्रीम को पूरा करके, उस लक्ष्य को पूरा करके ही उस चुभन को मिटाता है। हमारी चुभन जो बात की चुभन है, उसको बात को तो वहां तक टारगेट को अचीव करके उस लक्ष्य तक पहुंच के ही उस चुभन मिटती है, उससे पहले मिटती नहीं है। और ये बिजनेस भी उन्हीं लोगों का है जिनको बात भी लग जाती है, जिनको बात भी चुभ जाती है, ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है, वही कर भी पाएंगे, वही करेंगे जो संवेदनशील है। और प्राकृतिक रूप से हम संवेदनशील हैं, परमात्मा ने हमको ऐसे बनाया, तो क्यों ना हम व्यवहार भी वैसे ही करें, वैसे ही बने रहें। ये फोटो देखिए, ये फोटो में अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि ये व्यक्ति सिल्वर बनेगा कि सिल्वर पे क्विट करेगा, या डायमंड भी पहुंचेगा, या यूसी भी बनेगा, या टीम में 70 लाख की टीम भी बनाएगा, या कहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कुछ लोग तो डिसाइड कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं जा सकता, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो ये कुछ आपको भी तय करना है। हजारों लाखों लोग आते हैं बिजनेस में, शुरुआत करते हैं, हजारों लोग कोशिश करते हैं आईएएस बनने के लिए, हजारों लोग जीवन में क्लास वन ऑफिसर बनना चाहते हैं, हजारों लोग, लाखों हैं बच्चे जो आईआईटी और आईएम जाना चाहते हैं, हजारों लोग और लाखों हैं जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन जब चैलेंज आता है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम क्विट कर लेते हैं या डट जाते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो कॉम्पिटिशन आपका, आपको लगता है कि उन लोगों से कंपटीशन है, हजारों से, लाखों से, आपका कंपटीशन आपसे है सबसे पहले, और हमारा कंपटीशन हमसे स्वयं से है। हमारे बारे में राय तो लोग बना रहे हैं, हमारे रवैये के आधार पर वह राय बनाएंगे कि जाएगा एक दिन या नहीं जाएगा, वह राय बना लेते हैं। उनकी राय महत्वपूर्ण है या हमारी राय हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहाँ जाओगे, कितना तय करोगे, दिशा मीटिंग में गए, ये सब चेहरे हैं, कोई एक फोटो है, तो अब ये आप तय करोगे आप कहाँ जाओगे। आपको संगति अच्छी मिली हुई है, आपको साथ अच्छा मिला हुआ है, आपके साथ ही लगातार तरक्की कर रहे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो लगातार हिमालय पर्वत की माफी खड़ी हुई है, 123 साल से हिमालय की तरह खड़ी हुई है, मजबूत हिमालय की तरह, वह तो अपना काम कर रही है। तो अब यह तय करेगा, ये आपका रंग, आपका रूप, आपकी हाइट, आपकी एजुकेशन, आपका IQ, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं, ये तय नहीं करेगा कि आप कितना ऊंचा उड़ोगे। आप तो कहानी सुनाते हो लोगों को कि गुब्बारा काले रंग का हो तो भी उड़ेगा, और नीले पीले लाल का हो तो भी उड़ेगा, उसके अंदर जो भरा हुआ है वह उड़ाता है, रंग थोड़ी उड़ाता है। ये तो कहानी आप सुनते हो ना, मोटिवेट होते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि गुब्बारे का रंग ये डिसाइड नहीं करेगा कि गुब्बारा कितना ऊंचा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। आप क्या हो आपके अंदर, वही डिसाइड करेगा कि आप उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही कहानी सुनी मैंने, अभी कहानी सुन के एक कान से दूसरे से निकाल दूं या उसको दिल में संजो लूं। मीटिंग्स आपके साथ में बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे, मीटिंग अटेंड करना यह तय नहीं करेगा कि आप गिरोगे, रुकोगे या उड़ोगे। मीटिंग्स के बाद होने वाले जो रिएक्शन है, हर मीटिंग के बाद आपका रिएक्शन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके दिमाग में क्या विचार आता है, वह तय करेगा कि आप रुकोगे या आप उड़ोगे, यह तय करता है हर आने वाली मीटिंग के बाद में। तो ये आप देखिए, ये आपके सामने सारी चीजें हैं, तो कौन तय करेगा इसमें? आज ये फोटो आज का है, अगर उदाहरण मानिए, अगर ये फोटो आज का है, तो कौन ऐसा भविष्यदर्शी है जो प्रिडिक्शन करने वाला है, जो उंगली रख के बताएगा कि यह बनेगा UCA? कौन बताएगा? कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रिडिक्शन करने वाला, एक कैसे कैसे डिसाइड करोगे? टाई कौन सी क्वालिटी किसके आधार पर, हेयर स्टाइल कौन सा है यह इसके आधार पर, कि नाम क्या है, कि वजन क्या है, कि क्या है इसके आधार पर? ना 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 ना, ये डिसाइड ही नहीं करता। हर घटना, हर एक्शन, हर रिएक्शन, और आप हर मीटिंग के बाद आप क्या सोच क्या रखते हो, यही सबसे ज्यादा तय करता है आप कितना ऊंचे जाओगे, क्या उड़ोगे। ये बुके मैंने पहली बार नहीं लिया, मेरे साथ और भी लोगों ने लिया दिशा ट्रेनिंग में जाकर के,
अपने गुरुओं के माध्यम से, महागुरुओं के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से, गुरु माताओं के माध्यम से। लेकिन वह जो आपको फूल मिला, वह जो आपको पेन मिला, वह जो आपकी शाबाशी मिली, वह जो आपके कंधे पे हाथ रखा गया, उसकी कितनी इज्जत करते हो आप। वह जो आपको आपको इंस्पिरेशन मिली और वह जो आपको अप्रिसिएशन मिला, वह इसकी कितना रिगार्ड करते हो, उसको दिल में कितना संजो के रखते हो। आप अकेले नहीं हो, मुझे मैं अकेला नहीं था, या नरसिंह ग्रेवाल जी अकेले नहीं थे, या हमारे साथ में सफल होने वाले जो भी लोग हैं आज सेफ शॉप में, जो आइकॉन बने हुए हैं, वह अकेले नहीं थे, कि उनको साथ साथ और भी सैकड़ों और भी हजारों लोगों को अप्रिशिएट किया गया, उनको भी मंच मिला, उनको भी माला मिली, उनको भी फूल मिला, उनको भी बुके मिला, मुझे भी मिला, और आपको भी मिलेगा या मिला होगा। अब वह आप तय करिए कि उनकी कहानी आने इस वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या पढ़ी जाने वाली है, क्योंकि आपकी स्टोरी में आप हीरो खुद के स्वयं हो और आप तय करोगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर हुए, और मिलिट्री में इस तरह का शासन करने वाला, इस तरह का मिलिट्री लीडर का नाम पूरी दुनिया में कहीं और सुनाई नहीं देता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कदकाठी बहुत लंबी चौड़ी महाराणा प्रताप की तरह नहीं, आम कदकाठी के थे, लेकिन उनके बारे में ऐसा बोला जाता कि ऐसा कुशल शासक, ऐसा कुशल नेतृत्वकर्ता और ऐसा मिलिट्री लीडर सुना ही नहीं इतिहास में। तो लोग तो सबके साथ एक जैसे ही होते हैं, हमारे अपलाइन ने बताया, सिस्टम ने बताया कि लोग टीम तो सबके साथ एक जैसी होती है, उनको कैसे आप ट्रीट करते हो, कैसे उन्हें इंस्पायर करते हो, यही एक फर्क है जो फर्क ला देता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने तमाम लड़ाइयों को जीता और एक बहुत बड़ा शासन किया और एक बहुत बड़े कुशल नेतृत्व करता हुए, और ये बात बताते हैं जो आपने स्क्रीन पर पढ़ी। तो अब ये अपलाइन ने बता दिया, सिखा दिया कि माधव जी ये टीम सबके साथ एक जैसी ही होती है, किसी के नाम ओहदे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकियों के साथ जो टीम है, हमें हमेशा कंपेरिजन करते हैं कि हमारी टीम खराब है, हम हमारा हिसाब किताब ठीक नहीं है, हमारा अपलाइन अच्छा नहीं है, हमारी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, हम हमेशा कंपेरिजन करते हैं और दूसरे अपलाइन अच्छे हैं, दूसरी की टीम अच्छी है, दूसरा का बैकअप अच्छा है, दूसरे की सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम हमेशा ये कंपेरिजन करके अपने आप को धकेलते रहते हैं। लेकिन सबके साथ सब कुछ चीज़ें समान है, सब एक जैसी होती है टीमें, लेकिन नेतृत्व तो अलग अलग होता है, लीडरशिप अलग अलग होती है, आपका नेतृत्व अलग अलग है कि आप कैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं, कैसे कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, कैसे उनके बन जाते हैं या कैसे उनको अपना बना लेते हैं, यही आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी टीम है वह आपकी टीम सबसे पहले है, और आपकी छाप, आपका लेवल सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप संवेदनशील हैं तो उस मेडल पे आपका नाम, आपका फोटो कभी जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, आप संवेदनशील हैं तो ये आप निश्चित करोगे, डिसाइड करोगे, और उसके लिए हर संभव आप अपने आप को मेच्योरिटी के साथ में, तैयारी के साथ में काम करोगे और सीखोगे और तैयार करोगे। बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पिंच होती हैं, तो मेरे साथ ऐसी मीटिंग्स हुआ करती थी एक समय के बाद में, कि जिन मीटिंग्स में मेरे साथ 2, 4, 5, 10 लोग हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादा टीम नहीं है, लेकिन बाकी और जो हमारे पैरेलल लीडर्स थे उनकी टीमें बहुत बड़ी थी, तो वह मैं ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे स्टेज पे, मंच पे हमारा नंबर नहीं आता था लेकिन उनका आता था। स्टार परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, अचीवर्स, टारगेट विनर्स में कहीं भी दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन किसी का तो था, तो जिनका है वो इंस्पायर करते हैं दूसरों को। लेकिन आपका नहीं है तो आपके पास में इंस्पायर होने के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज़्यादा मौका है। तो किसी को देख करके, आप किसी मेडल जीतने वाले को देख करके, किसी स्टार को देख करके, किसी टारगेट जीतने वाले को देख करके, किसी सिल्वर को देख के, किसी डायमंड को बनते हुए देख करके आप मुट्ठी बांधते हो। तो एक ऐसा समय था कि कंपनी ने भारत में एक क्रूज की यात्रा दी, क्रूज पर अचीवर्स को जाने का मौका दिया, और मेरे टीम में एक व्यक्ति ने टारगेट जीता था क्रूज पे जाने का, तो मुझे एक व्यक्ति को ले जाने का अवसर था, उसके साथ सीनियर के नाते मुझे जाने का अवसर था, तो मैं और मेरे टीम से एक व्यक्ति अचीवर उस क्रूज पे गए। क्रूज पूरा भरा हुआ था, उसमें सेफ शॉप के बहुत सारे अचीवर्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन मैं और मेरा एक साथी, और मैं पूरे ऑल टाइम यही चिंतन मनन करता रहा, एक तो आप उसी घटना से आप निराशा में जा सकते हो और उसी घटना से आप
इंस्पायर भी हो सकते हो। तो वहीं पर अंदर ही अंदर अगर मैं शायद वहां मैं नहीं जाता तो शायद इतना इंस्पायर नहीं होता, क्योंकि चीजें जब आपको चुभती हैं, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, अगर आपको कोई चीज चुभ नहीं रही है तो फिर आप बेकार हो, संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, सेंसेस काम नहीं कर रहे। तो मैं वहां पे गया, मेरे साथ एक व्यक्ति था, उसका भी ठिकाना नहीं था, वह कितना काम करेगा, कितना चलेगा, कोई विजन उसको है कि नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं थी, और वो सच में वो इस बिजनेस में नहीं है जिसको मैं लेके गया। लेकिन वहां पर जाकर के मैं तैयार हो गया, और मैं तैयार हो गया तो आपका वक्त बदलता है, आपका समय बदलता है, हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन उसका धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता है और तैयारी करनी होती है। और क्या फर्क पड़ता है कि आप एक दिन में पहले जाते हो, लेकिन वक्त आता है कि एक दिन आप पूरे क्रूज को बुक कर लेते हो अपनी टीम के लिए, पूरे क्रूज को बुक कर लेते हो, चार्टर्ड क्रूज कर लेते हो, 1,000 लोगों को लेकर पहुंचते हो। और उसी क्रूज पर एक शानदार ट्रिप यूफोरिया होने जा रही है, जो सारे अचीवर्स वहां पहुंच रहे हैं, 1,000 अचीवर्स उस क्रूज पर रहने वाले हैं। ये बदलाव आप कर सकते हो, वह दिन आपके हाथ में लाना, कि जहां पर आप अकेले पहुंचते हो, अकेले होते हो या अकेले किसी को देखते हो, वहां से वो बदलाव ला सकते हो। लेकिन वो बदलाव लाने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आप ही, और कोई और नहीं, वो है आप, और उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आप संवेदनशील हैं तो वो दिन जरूर आएगा, आपकी सेंसेस काम कर रही हैं तो आपके दिन भी जीवन में जरूर आएगा। आपको कोई चुभन होती है तो आपके लिए वो जरूर आएगा, और आप उसके लिए तैयारी करोगे, आप फिर एक तरफा कर लोगे, एक तरफा हो जाए। लेकिन उसके लिए फिर अभी 550 अचीवर्स थाईलैंड होकर के आए, सेफ शॉप में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं अभी रिसेंटली होकर के आए। उसके बाद में 1,000 अचीवर्स फिर जाने वाले हैं, करीब 700 अचीवर्स फिर जाने वाले हैं, इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन फिर जा रहे हैं, 700 अचीवर्स पहुंच रहे हैं, 550-600 लोग होकर के आए। लगातार ट्रिप के माध्यम से लोग घूम घूम करके आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं का मतलब है वह अचीवर्स तैयार हो रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वह दिन लाने की जिम्मेदारी आप ही की है, आप ही कर पाओगे। करीब 500 लोग पेरिस और स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में, दिसंबर में फिर 1,000 लोग जाने वाले हैं, तैयारी चल रही है धमाकेदार तरीके से। वह दिन लाने की जिम्मेदारी आपकी है, कि आप अगर अकेले भी हो और आपका नंबर नहीं भी आता तो अभी भी वो दिन आप ला सकते हो, आप सारी चीज़ें एक तरफा भी कर सकते हो। जीवन में इंतजार हम करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अवसर हमारे जीवन में आते ही आते हैं। एक नौजवान एक किसान की बेटी से शादी करना चाहता था, और शादी करने की वजह से वह पहुंच गया। किसान ने बोला कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन 3 अवसर हैं आपके पास, और मेरे पास में 3 बैल हैं, और एक एक करके मैं बैल छोड़ूंगा, किसी की भी एक की पूंछ पकड़ लोगे तो तुम्हारी शादी पक्की है, ऐसा बोला। तो नौजवान बोला कि पकड़ लेंगे पूंछ, बैल की तो पकड़नी, कौन सी शेर की पकड़नी, पकड़ लेंगे। और पकड़ने के मकसद से वह गया, पहला बैल छोड़ा, उसको देख के डर गया, इतना खूंखार बैल उसने जीवन में देखा नहीं। उसने बोला कि अभी तो 2 मौके और हैं, जाने देते हैं। दूसरे बैल के लिए हाथ जोड़े, दूसरा भेजो, और दूसरा भेजने की बात हुई तो वह पहले वाले से भी खूंखार था। अब उसने सोचा कि अब तो मर जाऊंगा इसको देख करके, तो पहला वाला ही बढ़िया था, तो अब इसको छोड़ देते हैं, या तो पहले वाले में कोशिश करते उसका अफसोस कर रहा है, या फिर कोशिश कर रहा है कि अभी तीसरा और मौका बाकी है। फिर किसान से बोला कि तीसरा भी छोड़ो, और तीसरा छोड़ा तो देखा मरियल से बैल आ रहा है, कमजोर सा मरियल से बैल आ रहा है, खुश हो गया कि मरियल आ रहा है, इसकी तो पकड़ ही लूंगा। और जब पूंछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला उसकी पूंछ ही नहीं है, तीसरे बैल की पूंछ ही नहीं है, पूंछ ही गायब है मरियल से की। तो जहां अवसर है, जहां जीवन में आगे बढ़ने की संभावना है, वह दमदार जगह पे मिलेगा, मरियल में नहीं मिलने वाला, मरियल की तो पूंछ ही नहीं होती।
और फिर पहला मौका आया हमारे जीवन में, पढ़ाई लिखाई टॉप करें, यूनिवर्सिटी टॉप करें, कॉलेज टॉप करें, गोल्ड मेडल जीते, क्लास टॉप करें और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, ऑफिसर बने, जो कुछ भी बने। लेकिन वो इतना बड़ा बैल लगा हमको, इतना बड़ा है कि इसको जाने देते हैं, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर दूसरा मौका हमारे जीवन फिर से आ गया, दस्तक दी, सेफ सब दस्तक दे रही है जीवन में फिर कुछ बड़ा करने के लिए। और हमको क्या लग रहा है, ये तो पिछली वाली से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, जाने दो जाने दो जाने दो, खूंखार है, बेकार है। अब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई मरियल सा बैल भेज दो, तो मरियल सा बैल मांग रहे हैं, और मरियल सा मांगेंगे तो मरियल तो मरियल ही है, वहां पर फिर पूछ नहीं है, संभावना नहीं है। और तो ये एक समझना विकसित, समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी चार पीढ़ियां, दादाजी, पिताजी, फिर मैं, ये तीन पीढ़ियों तो सरकारी नौकरी हो गई। अगली पीढ़ी को भी या तो सरकारी नौकरी करनी थी या संघर्ष करना था, लेकिन धन्यवाद सेफ शॉप का कि 20 साल सेफ शॉप में गुजरे और पूरी तरह से बदलाव हो गया। अब चौथी पीढ़ी को स्वयं डिसीजन लेना है, वो कुछ भी करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जीवन आलिशान हो गया, जिस गोल को लेके चले थे, जिस मकसद को लेके चले थे, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सच बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो डायमंड होना लक्ष्य है? नहीं नहीं, डायमंड होना लक्ष्य नहीं, डायमंड होते होते पा लेना लक्ष्य है, है ना। एक टीम, चाहे किसी भी क्लब में जाना, चाहे किसी सम्मान को हासिल करना, चाहे किसी मेडल को जीतना, चाहे अपने परिवार को बुलंदियों पे लेके जाना, चाहे देश विदेश की यात्राएं करना, चाहे तकरीबन 30-35 कंट्रीज परमात्मा की कृपा से, अपलाइनों की कृपा से, सिस्टम की कृपा से घूम पाए, देख पाए। एक पिता ने अपने छोटे बच्चे को बुलाया और बोला, बेटा कि जीवन का रहस्य बताना चाहता हूँ, लेकिन जब आप 12 साल के हो जाओगे ना तब बताऊंगा। एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा जब आप 12 साल के हो जाओगे ना तो आपके 12वें हैप्पी बर्थडे पर मैं आपको एक जीवन का रहस्य बताऊंगा, ये आपका तोहफा होगा। और ये बोल दिया उसको 7 साल की उम्र में। 5 साल तक उसने इंतजार किया कि जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे क्या बताएंगे, जीवन का रहस्य बताएंगे। और जब 12 साल का जैसे हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ, केक कटने से पहले बेटा बोला, जीवन का रहस्य बताओ जल्दी से, 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। तो पिता ने कान में बोला कि वादा कर, किसी और को नहीं बताएगा, मतलब छोटे भाई बहनों को नहीं बताएगा, जब तक नहीं बताएगा जब तक वो 12 साल के नहीं हो जाएंगे। बोला वादा है, मुझे तो बता दो। बोला जीवन का रहस्य यही है कि गाय दूध नहीं देती, बस इतना बताया। जीवन का रहस्य बोला कि गाय दूध नहीं देती। बोले बच्चा चौंक गया, बोले पिताजी ये क्या बकवास हो रही है, ये जीवन का रहस्य 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, गाय दूध देती नहीं। बोला हाँ गाय दूध नहीं देती, यही रहस्य, गाय कभी दूध नहीं देती, हमको दूध जाके निकालना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, नहलाना पड़ता है और उसको सहलाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, उसको चारा खिलाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, कभी भी उसके बावजूद भी आकर के कभी दूध देती नहीं है, फिर भी हमें निकालने के लिए तैयार होना होता है। ठीक इसी प्रकार से हम सारी चीजें करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी दूध निकालने की तैयारी हमें खुद ही करनी है, ये जीवन का रहस्य बताया। इसीलिए दूध निकालने के लिए मुझे लगता है आप सब लोग तैयार हैं, पूरा भारत तैयार है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत पावरफुल है, सदी का बिजनेस है। सेफ शॉप हिमालय पर्वत की तरह खड़ी हुई है, 23 साल से खड़ी हुई है और अगले 100 साल खड़ी रहने वाली है। सिस्टम बहुत शानदार है, एथिक्स की बातें होती है, जहां मीटिंग्स की शुरुआत गणेश वंदना से होती है या एक आध्यात्मिक चीजों से होती है, आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ होती है। और कॉर्पोरेट्स में ऐसा ना सुना ना देखा, हमारा जीवन हमारा भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, सही हाथों में। इसलिए दूध निकालने के लिए अगर तैयार है तो 4 चीजों से अपने आप को मजबूत बनाइए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। इन चारों में से कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं तभी हम क्विट करते हैं। तो मानसिक रूप से मजबूत बनाइए हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, फिजिकली मेहनती बनिए, तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को जल्दी करेंगे तो 2 घंटे एडिशनल हो जाएंगे। कमजोर पड़ते हैं हम इमोशनली, उसमें अपने आप को किताबें पढ़िए तो आप मजबूत बनेंगे। और अपलायन की संगति में रहिए, स्ट्रॉन्ग मेंटर की संगति में रहिए, वो आपको हर जगह से निकाल के लेके चला जाएगा। चैलेंज आएंगे, कुछ चैलेंज आएंगे आपके बिजनेस में, इस जर्नी में और जीवन के तमाम क्षेत्रों में यही चैलेंज आते हैं। कुछ फिजिकल चैलेंज आएंगे, उनके लिए तैयार रहिए, कब तक आएंगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज मेरे से बड़ा नहीं है। फाइनेंशियल चैलेंज आएंगे, यानी सर्वाइवल का चैलेंज आएगा, तो सर्वाइवल के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है अगले 2-3 साल। कोई बच्चा कोटा गया, इलाहाबाद गया, दिल्ली गया आईएएस की तैयारी करने के लिए,
उसे मालूम है ना, 2 साल 3 साल के लिए सर्वाइवल भी तो जरूरी रहेगा, फीस भरना, तैयारी करना, बुक्स लेना, रूम पे रहना, हॉस्टल में रहना, खाना खाना, ये भी तो माइंडसेट है ना पहले से। तो सर्वाइवल, गोल को अचीव करने के लिए सर्वाइवल, अगले 5 साल का इमोशनल चैलेंज, छोटे मोटे घर से, परिवार से, टीम से, अपलायंस से, डाउनलाइन से जो चीजें आएंगी, तो या तो वो आपको भगा सकते हैं या आप परिस्थितियों को भगा सकते हो, टिक सकते हो, ये आपको तय करना है। छोटी मोटी चीजों में मजबूत बनिए। आने वाली फसल के लिए जो एक बीज होता है वो सबसे उत्तम बीज होता है, उस बीज को बोते हैं तो उससे फसल बनती है, तो सर्वोच्च क्वालिटी का बीज बोया जाता है। और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली टीम के लिए और पूरी सेफ्सॉफ के लिए आप बीज का काम करेंगे, जो आप हैं आपको बोया जाएगा, जो आपकी फसल निकलेगी, टीम बनेगी, वही सेफ्सॉफ की असेट है, वही ऑर्गेनाइजेशन की असेट है, वही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, और वही आपकी भी असेट वही होगी। इसलिए आप अपने आप को देखें कि आप बीज हैं तो वैसी ही फसल तैयार होने वाली है। जीवन में कुछ हमेशा नियम और आदर्श जरूर होने चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होने वाली थी, फांसी वाले दिन भी वह सुबह व्यायाम कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे तो पूछा जनरल ने, आप व्यायाम कर रहे हो, आपकी तो फांसी होनी है आज। बोले वो अपनी जगह पर फांसी होना, लेकिन मैं फांसी होने की वजह से अपने नियम और आदर्शों को क्यों तोड़ूं जो पिछले सालों से करता चला आ रहा हूँ। ये जीवन में जो आदर्श और नियमों बांध करके जो हम काम करते हैं, और ये घटना है लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा, किसी की मीटिंग के माध्यम से बताएंगे, 3 चीजें जो बिजनेस में बताई गई मुझे ट्रेनिंग में, माधव जी 3 चीजें हैं जो 100% सफलता देंगी, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये 3 चीजें बताई और मेरे कान में घुल दी गई, 3 चीजें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाएंगी, और मैं 100% सफलता ही तो चाहता था। वो सिस्टम बता रहा है, अपलायन बता रहे हैं, जिन्होंने हासिल कर लिया वही तो बता रहे हैं, सिस्टम ही तो बता रहा है, तो फिर मैं डाउट कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब 100% सफलता, 3 चीजें, 90% एक्साइटमेंट। तो अपने बिजनेस को करने के लिए एक्साइटेड रहना है, इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड कि फिर अब देर नहीं, अब जल्दबाजी करनी है बिजनेस को हासिल करने के लिए। तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी था। तो 2003 से ही सिस्टम की हर एक्टिविटीज को, हर संभव एक्टिविटीज को अटेंड करते थे, क्योंकि अभी प्राथमिकताएं सेट की, क्योंकि अब देर नहीं, अब जल्दी हासिल करना है सफलता को। तो इतना तो जो जल्दी सफलता मिलने वाली है अगले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, तो एक्साइटमेंट तो आएगा ही, आना स्वाभाविक है, और रहने जोश में। फिर कोई मीटिंग आपको थकाएगी नहीं, कोई फॉलो अप, कोई प्लान आपको थकाएगा नहीं, फिर आप कम भी सो पाए तो थकाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप एक्साइटेड हैं अंदर से। यह चीजें आपको इंस्पायर करेंगी। मीटिंग में प्रमोट करना, संडे के वेन्यू में सबसे पहले पहुंचना, लोगों को प्रमोट करके लेके जाना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में सबसे पहले पहुंचना, लोगों को प्रमोट करना, ये एक्साइटमेंट ही शो करेगा। अगर आप एक्साइटेड हैं, ऑडियो सुनना, ट्रेनिंग सुनना, वीडियो सुनना, अपलाइन की मीटिंग में जाना, होम मीटिंग करना, ये करना, ये सब एक्साइटमेंट अगर है और आपको दिखाई दे रहा है तो सब हो जाएगा। सब छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें नहीं है। इस हर लेवल पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना, अवेयरनेस, जागरूक रहना, जगे रहना, हर लेवल पर, हर दिन, हर साल, हर महीना, हर लम्हा अगर आप अवेयर हैं तो आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं पाएगा और ना ही कोई बिगाड़ पाएगा। आप जागरूक हैं तो, अवेयर हैं तो। चौकीदार रात को बोलता था पुराने टाइम में, जागते रहो, तो जागते रहो का नहीं तो चोर आ जाएगा, तो कोई आपको कान में डाल जाएगा अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो, कोई आपकी टीम को क्रॉस लाइन करके ले जाएगा जागरूक नहीं रहोगे तो, कोई दूसरी कंपनी वाला आएगा वो तोड़ के ले जाएगा जागरूक नहीं रहोगे तो। तो जागरूक रहिए, तैयार रहिए जिम्मेदारी लेते हुए। और मैं, मेरे होने से और मेरे नहीं होने से प्रभाव पड़ना चाहिए, मैं हूं या नहीं हूं इस बात का एहसास तो होना ही चाहिए। इसलिए एक इसको देखें कि हमेशा अपने टीम को कहाँ लेके जाना है, आप अवेयर हैं, तैयार हैं, जागरूक हैं, जिम्मेदारी लेते रहेंगे तो आप बहुत बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। फोकस करके काम मैंने किया हर मीटिंग में, और टारगेट पे हमने हमेशा फोकस किया, इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, हमने और हमारी टीम ने सबसे ज़्यादा ध्यान टारगेट्स पे दिया कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीत लेना ही अकेला काफ़ी है। तो और टारगेट को जीतने के लिए जो लोग जीतते थे उनको हम इंस्पायर करते थे, अप्रिशिएट करते थे, विनर्स ट्रिप ऑर्गेनाइज की, चाहे जैसलमेर, गोवा, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, मनाली, शिमला, सब जगह, फिर नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, क्रूज, सब हांगकॉन्ग, सब जगह। तो 5-स्टार होटल में जाना, मीटिंग्स करना, इस बात के लिए हमने बोल्ड डिसीजन लिया उस समय पर, उस पुराने टाइम में 5-स्टार तक पहुंच नहीं थी, हम लोगों का प्रोफाइल ऐसा नहीं था, लेकिन वहां जाना, प्रमोट करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन है, या तो मैं बोल दूं कि मैं जानता नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, या फिर करें, शुरुआत करिए। तो जब शुरुआत करोगे तो सब हो जाएगा। 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट,
ये चीजें हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये 8% टेक्निक के लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने टीम को तैयार करिए, सिखाइए। और एक और जगह है 2% फाइन ट्यूनिंग, यहाँ पर आदमी हार जाता है, फेल हो जाता है और छोड़ देता है, क्विट कर देता है। ये सबसे जरूरी है, लोगों के बीच में आप आएंगे तो क्लैशिंग्स होना, चीजें होना, विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे निकाल के लेके जाते हो बिजनेस को और कैसे आप अपने बिजनेस को बनाते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लकी रहा, भाग्यशाली रहा कि ऐसे अपलायन का साथ मिला जो बहुत ही विजनरी थे और हमेशा बहुत पोलाइट थे, बहुत विनम्र थे और चीज़ें करते थे और उसके बाद सिखाते थे बिजनेस को। उन्होंने कभी भी इमोशनली, प्रोफेशनली, हर तरह से उन्होंने बिजनेस करना सिखाया, मजबूत बनाया। मैं इस मामले में बहुत ही लकी रहा। कोई बोलेगा कि आप भाग्यशाली थे तो मैं आपकी बात काटूंगा नहीं, बिल्कुल भाग्यशाली था, लेकिन परमात्मा 50% बोलता है कि 50% परमात्मा काम करेगा, भाग्य काम करेगा और 50% आपकी मेहनत काम करेगी। तो भाग्यशाली हम और आप सभी भी तो हैं। तो मेरे को अपलाइन मिले इस तरह से, मैं भाग्यशाली रहा। और एक बात मैंने सुनी कि वी डू नॉट मेक लीडर्स, हम लोग कभी लीडर्स तैयार नहीं करते, बनाते नहीं है ना, हमारे अंदर बनाने की कुव्वत है, वो तो ऊपर वाला ही कर सकता है बनाने का, हमारे हाथ में नहीं बनाने का। तो वी ऑलवेज फाइंड एंड सर्च लीडर्स, हम सिर्फ तलाश करते हैं लीडर्स की, हम बनाते नहीं है, हम तलाश करते हैं लीडर्स की। और बनाया ना, बनाना संभव नहीं है, बना नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आदमी प्रकृति में सोना बना नहीं सकता। सोना बनाने की फैक्ट्री आज तक नहीं बन पाई और मोती बनाने की फैक्ट्री आज तक नहीं बन पाई, कोई मोती बना नहीं सकता। जो बनाता है वो आर्टिफिशियल है, उसका मोल उतना नहीं है, और डायमंड भी बनाया नहीं जा सकता, ये तो प्रकृति में पहले से है। हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, मोती हो या सोना हो या डायमंड हो, हीरा, हम तलाशा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हमारे लीडर जो हैं वो बनाए नहीं जा सकते, वो तलाशे जा सकते हैं। इसलिए इतनी सारी भीड़ है, 140 करोड़ में IAS निकल रहे हैं, PCS निकल रहे हैं, लोग राजनेता बन रहे हैं, लोग ब्यूरोक्रेट्स में जा रहे हैं, लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, चंद्रयान 3 तक लैंड करा रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो आपके डायमंड और आपके UCA भी इसी 140 करोड़ में से निकलेंगे। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मोती हैं समुद्र में, आप डुबकी लगाइए, एक आध दो बार खाली हाथ जाएगा लेकिन हाथ में आएगा जरूर, ऐसी संभावनाएं बताती हैं। और आज मैं देखिए ढूंढना शुरू किया तो टीम में मोती, सोना, हीरा, जो आप ढूंढना चाहते हो, और आपको बेशकीमती हीरे भी मिलेंगे, कोहिनूर हीरे मिलेंगे। हमारी टीम में विजय पाल सिंह जी, जसवीर सिंह जी, शैलेन जी, विकास जी, सत्येन जी, परशुराम जी, अजय जी, सोमा शंकर जी, अभी क्या नाम लिखना शुरू करें, ये तो क्राउन एम्बेसडर्स और उससे अबव के नाम लिखें केवल। एक दिन ऐसा आएगा कि डायमंड्स के नाम आप ना लिख पाओगे और ना ही आप जान भी पाओगे, सबको जान भी नहीं पाओगे। इस बिजनेस में मैं भाग्यशाली हूँ, 70 लाख की टीम के साथ में लगभग 600-700 डायमंड्स आज हो रहे हैं इस बिजनेस की वजह से, और ये कारवां लगातार चल रहा है, और आपके साथ भी ऐसा होगा एक दिन। और पोटेंशियल लीडर्स को आप पहचानिए, उनका प्रमोशन करिए और ट्रांसफर करिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और अपने डायमंड क्लब को बढ़ाने का संकल्प लेके काम करिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, लेकिन डायमंड होना लक्ष्य नहीं है, डायमंड होते होते लक्ष्य को पा लेना ही लक्ष्य है, डायमंड होते होते। तो मैंने समय बहुत ज्यादा लिया, मैं ज्यादा नहीं लिया। माता जी आपने जो भी लिया बहुत बेहतरीन लिया, और आज का सेशन रियली में प्राउड, बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आपको ऐसे लग रहा था कि हम सुनते जाएं, आप बोलते जाएं, क्योंकि ज्यादा समय तब होता है जब सुनना नहीं चाहते, तो हम तो सारे सुनना चाह रहे थे, लेकिन आपने बहुत सारी की सारी जो काम की बातें बताई है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बातों को जो फॉलो करेंगे, जो दिल में उतारेंगे और जो संवेदनशील बनेंगे, वो पक्का आपकी तरह आने वाले टाइम में डायमंड भी बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे, और आपकी तरह टीम में भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माधव जी, हमेशा आपको सुनना अच्छा लगता है, रियली में आज भी बहुत अच्छा लगा, और हजारों लोगों ने आपको यूट्यूब लाइव पे भी सुना और जूम पैनल पे भी सुना। मैं चाहता हूँ माधव जी के लिए दिल से एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम।